कि बड़का गांव में कोयला खनन कार्य में लगे एनटीपीसी से जमीन के मुआवजे और ग्रामीणों के घरों को स्थानांतरित करने की बात पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा है कि एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि रैतों को बढ़ी हुई दर के हिसाब से ली गई जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन की तरफ से रैतों की जमीन और संबंधित अंचल की राशि की एक सीमा तय करने की मांग की गई है। फिलहाल 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीन का भुगतान एनटीपीसी कर रही है। उन्होंने कहा है कि पकरी बरवाडी कोल माइन से खनन कार्य भी शुरू हो गया है जो 2 महीने से बंद पड़ा था। इससे बिजली उत्पादन समेत अन्य क्षेत्र में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एनटीपीसी प्रबंधन के साथ अन्य विषयों पर जल्द ही सरकार की बैठक होगी। बड़का गांव में एनटीपीसी का कोयला खनन कार्य चलता है। स्थानीय ग्रामीणों की कुछ डिमांडें रही हैं जो विस्थापित हैं, इसको लेकर स्थानीय विधायक अमर प्रसाद जी ने लगातार सरकार के संज्ञान में वो बातें डाली और हमने याद होगा कि एक संवाद में ये कहा था कि वहाँ पर कुछ कोयला खनन करके रखा हुआ जिसमें आग लगने की संभावनाएं हैं और उससे आसपास की चीज़ों पर नुकसान हो सकता है और कोई बड़ी घटनाएं घट सकती है। कोयला को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, कोयला निकल भी गया, क्योंकि बड़े दिनों तक माइनिंग कार्य भी ठप था, स्थानीय लोगों के कुछ डिमांड्स थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ग्रामीणों की समस्या को लेकर सदैव तत्पर रहती हैं। बैठक के बाद विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद पकरी बरवाडी को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहम फैसले लिए गए। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा भी 5 लाख रुपए प्रति एकड़ बढ़ गया है। अब रैतों को 20 लाख रुपए प्रति एकड़ का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एन्यूटी भी 3,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ रैतों को दिए जाने वाले घर से संबंधित मुआवजा भी जल्द बढ़ाया जाएगा। कुछ बातें उभर के आई हैं जो उनके जमीन के मुआवजे की बढ़ाने के बाद एन्यूटी से संबंधित बात, घर को शिफ्ट करने की बात। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।